हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ्सोमैटिक, मेक्स मैथ्स इजी। टुडे वी विल स्टडी क्लास 6 चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंटरी शेप्स एक्सरसाइज 5.3 कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए, ये एक्यूट एंगल क्या होता है। कोई भी एंगल जो मेरा जीरो से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो तो उस एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। देखिए, एनी एंगल विच इज मोर देन जीरो एंड लेस देन 90 डिग्रीज, इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो इस तरीके से देखिए, ये है मेरा 90 डिग्री स्ट्रेट और ये गया ऐसा, तो जो भी एंगल इसके बीच में आएगा जीरो से 90 के बीच में, वो हो गया मेरा एक्यूट एंगल। वैसे ही ये है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे एनी एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्री, यानी कि कोई भी एंगल जो मेरा 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है। यानी कि जो भी एंगल मेरा 90 से लेके 180 के बीच में आएगा वो हो जाएगा मेरा ऑब्ट्यूज एंगल, और जो भी एंगल मेरा 90 से लेके 0 के बीच में आएगा वो हो जाएगा मेरा एक्यूट एंगल। ओके, तो देखिए ये वाला है नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एनी एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, यानी कि कोई भी एंगल जो मेरा 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में रहेगा वो एंगल मेरा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ध्यान से देखिए, ये है मेरा 180 डिग्री और ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा मेरा 360 डिग्री। तो जो भी एंगल मेरा यहां पे रहेगा वो एंगल मेरा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ये देखिए, ट्राई दिस का एक क्वेश्चन है। ये बोलता है द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स फ्रॉम 12 to 5। ये है मेरा 12 और ये है मेरा 5। ये जो आवर हैंड है वो 12 से लेके 5 की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। तो इज द रिवॉल्यूशन ऑफ द आवर हैंड मोर देन 1 राइट एंगल, ये पूछ रहा है। जो मेरा आवर हैंड है क्लॉक का वो क्या मेरा 1 राइट एंगल से ज्यादा घूम रहा है, मोर देन 1 राइट एंगल। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लें, देखिए ये है 9, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हम लोग को दिख जाएगा कि यहां से लेके यहां तक है मेरा 90 डिग्रीज। ओके, तो ये हो गया मेरा 1 राइट एंगल, है ना। तो अगर ये मेरा 1 राइट एंगल होता है 90 डिग्रीज, तो ये 5 मेरा कहां है, ये मेरा 90 डिग्री से ज्यादा है ना 5। तो इसलिए ये जो पूछता है यहां पे, इज द रिवॉल्यूशन ऑफ द आवर हैंड मोर देन 1 राइट एंगल, तो ये मेरा आंसर होगा यस। आ गया समझ में। वैसे ही देखिए, ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो बोलता है व्हाट डज द एंगल मेड बाय द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक लुक लाइक व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 5 to 7। तो जब ये मेरा 5 से लेके 7 तक मूव करेगा इस डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल होगा ये कौन सा एंगल होगा, ये पूछ रहा है। इज द एंगल मूव्ड मोर देन 1 राइट एंगल। देखिए, तो ये जो यहां पे हम लोग को मालूम है कि 1 राइट एंगल मतलब होता है कितना, 3 आवर्स, है ना। 1 राइट एंगल मतलब हो जाएगा मेरा 3 आवर्स। तो वैसे ही 2 राइट एंगल मतलब क्या हो जाएगा मेरा, 6 आवर्स। ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले। तो अगर 1 राइट एंगल अगर 3 आवर्स घूमता है तो यहां पे देखिए 5 से लेके 7 कितना हुआ मेरा, 2 आवर्स। 5 से लेके 6 और 6 से लेके 7, यानी ये कितना हुआ, 2 आवर्स। अगर ये 2 आवर्स होता है तो मेरा ये 1 राइट एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 राइट एंगल होने के लिए हमको 3 आवर्स घूमना पड़ेगा, इसलिए ये मेरा यहां पर 2 आवर्स ही हो रहा है। सो यहां जो पूछता है इज द एंगल मूव मोर देन 1 राइट एंगल, तो ये हो जाएगा मेरा नो।
ये हो जाएगा नहीं. ओके, थैंक यू. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स.